नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टैरो कार्ड विद कृष्णा में। आज चलते हैं हम अपनी अगली राशि की ओर, जो है कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो कर्क राशि, चलिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड आया हुआ है वो है सिक्स ऑफ द कॉइंस, दूसरा कार्ड आया हुआ है किंग ऑफ द कप्स, तीसरा कार्ड है एस ऑफ द कप्स, चौथा कार्ड है द एम्प्रेस और पांचवा कार्ड है स्ट्रेंथ। अपराइट में आपके लिए आया हुआ है द मून और डाउनलोड में आया हुआ है किंग ऑफ द सोर्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि के लिए, देखते हैं नवंबर 2018 कैसा रहेगा। देखिए 2018 का जो नवंबर का मंथ है, ये आपके लिए बहुत ही सेटिस्फैक्टरी वाला होगा, बहुत ही एस्टेब्लिशमेंट वाला होगा। इस बार आप इस नवंबर में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को एक दिशा दे दे, एक मोड़ दे दे। इस नवंबर में आपको कुछ ना कुछ ऐसा, अभी चूंकि आप बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत एनर्जी से इस समय भरे हुए हैं, और आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपकी लाइफ को आगे ले जाए, न सिर्फ आगे ले जाए एक सही दिशा में ले जाए। तो ये नवंबर का महीना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा रिस्क लेने के मामले में। आप कभी कभी रिस्क लेने के मामले में बहुत ज्यादा आवेशित हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। आपकी जो एग्रेसिवनेस है उसकी वजह से आप गलत वाला डिसीजन जल्दी ले लेते हो, जबकि आपको पता होता है कि आपने डिसीजन थोड़ा सा गलत ले लिया है, लेकिन फिर भी आप उस पर कायम रहने की कोशिश करते हो। कोशिश इसलिए करते हो क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। देखिए अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, भोला भाला होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुद्धू होना अच्छी बात नहीं है। तो चूंकि आपके अपने डिसीजन होते हैं और आपको लगभग 90% टाइम पे पता होता है कि आपने जो डिसीजन लिया है ये ए वाला डिसीजन नहीं सही है, बी वाला डिसीजन ज्यादा सही, लेकिन फिर भी आपने चूंकि ए डिसीजन ले लिया है, चार लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप उसके साथ ही आगे बढ़ते हो भले ही आपको लॉस हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने आप को थोड़ा सा थामना है। यहाँ संघर्ष स्वयं से है, किसी और से नहीं है। द मून का कार्ड आपके लिए फ्यूचरिस्टिक है और द मून का कार्ड आपके लिए बता रहा है कि अगर आप अपने डिसीजंस में थोड़ी सी ईमानदारी नहीं बरतते हो, यानी अंदर से अपने दिल की बात को नहीं सुनते हो, फर्स्ट लुक का डिसीजन लेते हो, तो आप नुकसान उठा सकते हो। वैसे द मून का कार्ड एक और चीज बता रहा है कि आपको अपने मन पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है इस नवंबर के मंथ में। देखिए मन पे कंट्रोल करने का जो मतलब है, मैं एक कार्ड का सपोर्ट दे लूं फिर मैं आपको बताऊं। आप कई बार कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड कल्पनाएं करने जाते हो जो वास्तव में इस दुनिया से थोड़ी सी परे होती है। आपको मालूम होता है कि आपकी ये कल्पना किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी आप न सिर्फ उन कल्पनाओं को ले लेते हैं बल्कि उस कल्पना को आगे ले जाते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, उस पर प्लान बनाना शुरू कर देते हैं, ये जानते हुए, ये समझते हुए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस एक चीज को आपको थोड़ा सा संभालना होगा। आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में आपको शाम का समय, सोने से पहले का समय ज्यादा उपयुक्त रहेगा, अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचर। तो आप शाम के समय बेड पर सोने के समय में 10 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपके मन में शांति रहेगी, आपका गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा और आपकी कपोल कल्पना वाली योजनाओं पर थोड़ी सी रोकथाम लगेगी। ओके, अब हम चलते हैं आगे। तो इंप्रेस का कार्ड आपके लिए आया है जो बताता है कि एक वैभव और संपन्नता आपके जीवन में आने वाली है, जो आ रही है, लेकिन उसके आने से पहले आप इतना एनर्जेटिक हो जाएंगे कि हो सकता है अपनी एनर्जी में, अपने आवेश में उस चीज को निग्लेक्ट कर जाएं, उस अचीवमेंट को मिस कर जाएं। देखिए अचीवमेंट को अगर आप मिस करते हो, देखिए मिस करने का जो रीजन है वो ये है कि आपको कई बार ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा है जब चीजें आपके लिए ठीक हो रही थी और वही समय था जब चीजें खराब हो गई, जब चीजें आपके फेवर में आ रही थी और वही समय था जब वो चीजें आपके फेवर से बाहर हो गई। आपने उस फ्रेस को फील किया है, उस फ्रेस को देखा है जब लोग आपके सपोर्ट में खड़े हुए थे और अचानक ही वो आपके अपोज हो गए, तो वो जो डर आपका है वो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। लेकिन अब इस बार कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी परिवर्तन एक्सपेक्टेड थे वही वही होने वाले हैं और उनसे ही रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में घटेंगी। आपको करना क्या क्या है, आपको थोड़ा सा शांत बने रहना है, थोड़ा सा संयम का परिचय देना है,
जो हो रहा है उसे होने देना है, लेकिन 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 जो हो रहा है उसमें अगर कुछ गलत है, अगर कुछ सही नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ आपको खड़े होकर आवाज भी उठानी है। इस चीज को आप निग्लेक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको अपने आप से थोड़ा सा लड़ना पड़ सकता है, अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए अपने आप से थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। हालांकि संघर्ष का ये लेवल थोड़ा सा सामाजिक रूप भी ले सकता है 20 तारीख के आसपास के बाद से। तो अगर ये हाँ और सामाजिक रुख अगर लेता है तो उस संघर्ष में जीत आपकी होगी। आप निश्चिंत रहें, टेंशन ना लें, आपके तर्क और आपके लॉजिक्स के आगे कोई टिक नहीं सकेगा। अच्छा, अब चलते हैं हम दीपावली की ओर। इस दीपावली से लेकर के अगली आने वाली दीपावली तक का एक साल का समय आपका कैसे रहेगा, शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं। इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक का जो आपका समय है, वो समय आपका ऐसा रहेगा जिसमें आप खुद को थोड़ा सा बना हुआ फील कर सकते हैं, ये फील कर सकते हैं कि चीजें आपके फेवर में आ तो जाती हैं, लेकिन आप उसे यूज नहीं कर पाते। जब आप उसे यूज नहीं कर पाते हो, या आपको ऐसा लग सकता है कि जब उन्हें यूज करने का वक्त आता है, तब तक उस चीज की महत्व, उस चीज का महत्व खत्म हो चुका है। मैं आपको आपका एक नैसर्गिक नेचर बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, मतलब इसको निगेटिव में मत लीजिएगा, तो पॉजिटिव में मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपको कुछ भी अचीव हो जाए आप उसमें कमियां निकाल ही लेते हो। ये आपका एक गुण है। और सबसे बड़ा नुकसानदेह गुण यह है कि आपने एक बार जो कदम उठा लिया, आप पीछे नहीं हटना चाहते, आपको लगता है आपकी इंसल्ट हो जाएगी। भाई, आपकी इंसल्ट हो जाएगी वो एक मैटर है, लेकिन आप इस चीज को भी सोचें कि अगर आपने कुछ अचीव करना है तो आपको अप या डाउन दोनों को संभालना होगा। लड़ाई चल रही है तो एक कदम आगे और एक कदम पीछे आप लोगे ना, टेनिस खेलते हैं, रैकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी है, आपको आगे और पीछे होना पड़ता है। तो वो चीज हो गया, आपकी अपनी जो क्वालिटी और एबिलिटी है उसे आप कई बार नजरअंदाज कर देते हो, और जो क्वालिटीज आप में नहीं है आप उसके लिए परेशान रहते हो, और इन परेशानियों की वजह से वो सारी चीजें रिवर्स होना शुरू होती है। तो ये सब करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये वही बता रहा था। अब उन चीजों को अगर हटा देते हैं, यानी आप अपनी कमियों से परे हट करके आगे आ जाते हो, तब आप एक फुलफिलमेंट, एक अचीवमेंट इस पूरे साल में पा सकते हैं। न सिर्फ पा सकते हैं बल्कि उनका बढ़िया से यूज भी कर सकेंगे। बस आपको अपने मन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। उसके लिए मैंने बता दिया है कि आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की जरूरत है। मेडिटेशन दिन के समय में करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन रात के समय करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स आपके फ्यूचर के लिए बढ़िया रहेगा। तो कर्क राशि, ये था आपका नवंबर 2018 का राशिफल। मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा या कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। आप इसमें कुछ नया चाहते हैं, कोई नई फील्ड को मैं चूज करूं, कुछ भी, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।